खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के खास खबरें। रन फॉर यूनिटी, फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय पर हुआ रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। जिला अधिकारी, SSP और रेलवे के अधिकारियों के साथ सभी विभागों के अधिकारी व बच्चे भी दौड़े। बाद में सभी अधिकारी और बच्चों ने देश की एकता व अखंडता के लिए शपथ पी। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस को याद बनाने को पूरे देश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरे देश ने आज का दिन रन फॉर यूनिटी के नाम से मना रहा है। वही फिरोजाबाद में भी जिलाधिकारी नेहा शर्मा के साथ जिले के अन्य अधिकारियों ने भी दौड़ लगाकर इस आयोजन को सफल बनाया। जिले में भाजपा के लोगों द्वारा भी ये आयोजन मनाया जा रहा है, जिसमें कई स्कूल के बच्चे भी भाग ले रहे हैं। रेलवे यातायात प्रबंधक द्वारा रेलवे के अधिकारियों को भी एकता व अखंडता की शपथ दिलाई गई। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। आयोजित हो रहा है और विशेष तौर पे हम लोगों ने फिरोजाबाद में अपने हर तहसील हेडक्वार्टर पर करवाया है इसको। हमारे शहर में भी जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे इस रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम में उन लोगों ने सहभागिता की है। आज हम लोगों ने ज़िला मुख्यालय पे सभी जनपद स्तरीय अधिकारी, हमारे कर्मचारी वर्ग भी साथ में था और कुछ स्कूल के बच्चों के साथ में इसको यहाँ पर आयोजित किया। आज 31 अक्टूबर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म तिथि है आज, और इसको विशेष रूप से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एकता का संदेश, क्योंकि ये राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो एकता का संदेश देने का भी एक प्रयास किया गया है इस पूरे आयोजन के। जो कार्यक्रम है उसका जो कोइंसिडेंस है वो इसलिए है क्योंकि लौह पुरुष का जो स्टैचू है वो गुजरात में अनवेल होने वाला है, और इसको आज के दिन से प्रत्येक दिन, पिछले वर्ष में मनाया गया था, राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हर जनपद में ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, हर स्कूल लेवल पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। आज का दिन जो है हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, और ये उस महापुरुष को याद करता है जिसने हमारी देश की एकता के लिए, हमारे देश जो था जब आज़ाद हो रहा था तो बहुत सारी 500 कुछ रियासतों में बटा हुआ था, और जो हमारा देश था, जो आज की पॉलिटिकल शेप है, वो आज ये शेप ना होती अगर हमारे महापुरुष ना होते। तो इनकी कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए और इनकी कंट्रीब्यूशन को बनाए रखने के लिए, जो हमारे देश में आज डिवाइसिव फोर्सेस हैं, जो हमारे देश को, देश की अखंडता को पसंद नहीं करती और कुछ अलग करती हैं, उनको दबाने के लिए, उनको कर्व करने के लिए और उनके ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए इस दिन की आज हम सेलिब्रेशन करते हैं, ताकि हम अपने विचारों में, हम अपने कार्य में, हम अपनी सोच में हमारी यूनिटी हो, और यूनिटी जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि यूनिटी ही शक्ति है, इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, इस मैसेज को सेलिब्रेट करने के लिए और इस मैसेज को अपने जहन में उतारने के लिए आज हम ये दिन सेलिब्रेट करें। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही।